ये कूड़े से ऑयल बनाएगा, फर्निशिंग ऑयल बनाएगा और टार बनाएगा, टार मीन्स तार कोल वो बनेगा। ये जो प्लांट है ये एनवायरनमेंट फ्री है और एनवायरनमेंट को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा होने जा रहा है वो जो कूड़ा हमारा उठ के डंप यार्ड पे जा रहा है और एक ढेर लगता जा रहा है उसको भी ये ख़त्म करेगा, क्योंकि करीब 400 टन कूड़ा बरेली में प्रतिदिन निकलता है और पिछला जो कूड़ा जमा है वो करीब 6 लाख टन से भी ज़्यादा है। तो उसके लिए शेडर लगाए गए हैं, क्योंकि उसमें पुराने कूड़े में करीब 70% मात्रा मिट्टी हो गई है, तो शेडर से वो मिट्टी अलग की जाएगी और बाकी जो आइटम बचेंगे उसको भी इसमें प्लांट में डाल के उसको ख़त्म किया जाएगा। उसका जो ऑयल है वो बनाया जाएगा और उसका टार बनाया जाएगा। ये प्लांट अभी ट्रायल पे चल रहा है। ट्रायल में शुरू में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर कर कर मुझे लगता है कि परसों पूरे जोर शोर के साथ इसका शुरुआत होगी। और ये हिंदुस्तान में अपना पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने 55 रुपये टन कूड़े को बेचा है। आने वाले समय में जो कूड़ा लोग सड़कों पर फेंक देते हैं, नालियों में फेंक देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लोग अखबार की रद्दी की तरह कूड़े के भी घर में ड्रम रखेंगे और उसको बचा के रखेंगे, क्योंकि कूड़ा भी बिकेगा। ये सपना है लेकिन ये सपना हकीकत में पूरा होने जा रहा है। ऐसा लोगों को कूड़ा फेंकने की आदतें भी छूट जाएंगी और कूड़ा जब डोर टू डोर वाले पहुंचेंगे तो बड़ी खुशी के साथ लोग उस कूड़े को देंगे। तो मैं चाहता हूं कि अभी से बरेली के लोग इस कूड़े को आदत अपनी डालें, कूड़ेदान में ही डालें, क्योंकि आने वाले समय में ये भी आपका